ये जी 3.5 मरले का प्लाट हम आपको दिखाते हैं। इसी सोलिंग पे ये पड़ा है जी, जहाँ ये चारपाई पड़ी है तकरीबन, ये इसकी लोकेशन है जी। गली की बात करें तो 20 फुट है। बिजली का ये देखें पोल लगा हुआ है जी। 20 फुट की गली है और 3.5 मरले प्लाट है जी। ये प्लाट है तकरीबन, इस एरे से इस तरफ प्लाट बनेगा। कुछ मकान का हिस्सा आ रहा होगा बैक पे। मोजा जंगीराबाद है, कंप्यूटराइज मोजा है। ये सामने जो है बड़े खूह को सोलिंग जा रही है, सामने वो खाद फैक्ट्री है। बड़े खूह से लेफ्ट जाएंगे तो कैक्शा कलोनी से होते हुए हम पीरागैब रोड पर पहुँच जाएंगे। राइट साइड पर जाएंगे तो हम ये फैसल मुख्तियार हॉस्पिटल निज़ामाबाद के पास पहुँचेंगे। और ये राइट साइड इधर सामने वो इब्ने सिना हॉस्पिटल है। ये प्लाट है जी जो हम 3.5 मरले का आपको विज़िट करवा रहे हैं। 2 लाख रुपए मरला से ये मिलेगा जी। 3.5 मरला का प्लाट है, जहांगीराबाद मोज़ा है, कंप्यूटराइज मोज़ा है। रजिस्ट्री करवाएं, इंतकाल करवाएं, फौरी कब्ज़ा लें, फौरी घर बनाएं। मालिक जो है वो पाकिस्तान अवेलेबल है, बयानों के हवाले से कोई इशू नहीं है। हमने लास्ट टाइम एक पार्टी आई थी भियाड़ी से तो आइडिया नहीं हुआ, उसका ऑनर जो है वो आउट ऑफ कंट्री था, जिससे पार्टी थोड़ा सा वो कंफ्यूज हुई कि हमें पहले क्यों नहीं आगाह किया गया। मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा रियल एस्टेट का बिज़नेस है, तो इतने सारे क्लाइंट्स को हम मिलते हैं, तो क्लाइंट्स कभी डायरेक्ट मिलते हैं तो कभी क्लाइंट्स जो हैं वो डायरेक्ट नहीं मिल रहे होते। और फर्दर हम कभी कभी कुछ चीज़ों को नहीं भी डिस्कस करते कि जब चीज़ सेल हो रही होगी तो हम उस वक़्त डॉक्यूमेंटेशन के वक़्त हम चीज़ों को वेरीफाई कर लेंगे। तो वैसे तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ऑनर बाहर होते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, या वो खुद आ जाते हैं, या उसमें कोई टाइम तय हो जाता है। तो खैर, इसका ऑनर पाकिस्तान है, फौरी इसके बयान हो सकते हैं। 2 लाख मरले से आपको ये मिलेगा, जहांगीराबाद मोज़े का जी ये प्लाट है जी। सदरन बाईपास से बिल्कुल करीब है, पीरंगब रोड से भी रास्ता आता है और खानेवाल रोड फैसल मुख्तियार हॉस्पिटल से भी इसको रास्ता आ रहा है जी। 3.5 मरले का प्लाट।